होलिया में उड़े रे गुलाल, कहियो रे मांगे तार से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कहियो रे मांगे तार से। मेरे साथ आज बहुत सारे रंग हैं, कोई हास्य का रंग, कोई व्यंग का रंग, कोई एकदम सफेद तो कोई एकदम काला। गीतकार भी मेरे साथ हैं। ऐसे ही रंगों से मैं आज आपकी मुलाकात करा रही हूं। मेरे साथ हैं व्यंगकार रमेश नंद जी। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। गीतकार पन्ना से शंकर दीक्षित जी भी हैं। शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यश धुरंधर आप तो जानते ही हैं, धुआंधार कविता पढ़ने वाले यश धुरंधर आज हमारे साथ हैं। यश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई से आए हैं हमारे पास मुकेश कबीर जी। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक ऐसी शख्सियत जिनको पहचान की या किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमारे प्यारे दादा धूमकेतु जी। धूमकेतु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली है, होली के ही दिन महिला दिवस भी है। दादा, बड़ा हिसाब किताब बिगड़ सा गया यहाँ पर। नहीं, यदि महिला वर्ष है तो फिर हमारे लिए महिला से बढ़िया और कोई हो ही नहीं सकता। हम तो आज पुरानी यादें ताजा कर देंगे। क्या बात है दादा, पुरानी यादें ताजा करने के मूड में है। सबसे पहले मैं चलूंगी रमेश नंद जी के पास। रमेश जी, आज आपसे सुनना है हमको कि होली के रंग कितने प्रकार के होते हैं। मैं अपनी एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करता हूँ स्वागत होली के अवसर स्वागत। पर। कि गोरी के गाल गुलाल हुए और रंग बिरंगी हो गई चोली। क्या बात, क्या बात। गोरी के गाल गुलाल हुए और रंग बिरंगी हो गई चोली। गुस्से में जान निकल सी गई और चिढ़ाने लगी सखियों की टोली। मोह में दबाए लियो आंचल, सखी एक दूजे से शर्मा के बोली। जिसने भिगोई है रंग में तुझे, हमें ऐसे लगे तू उसी की हो ली। रमेश जी, इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और अगर सुना देंगे तो यहाँ दर्शकों का थोड़ा सा पेट भर जाएगा। एक गजल पेश करता हूँ। स्वागत स्वागत। मतला पेश खिदमत कि मैं ना जाने किस घड़ी में क्या से क्या हो जाऊंगा। मैं ना जाने किस घड़ी में क्या से क्या हो जाऊंगा। कब लगूं अच्छा किसी को, कब बुरा हो जाऊंगा। मैं ना जाने किस घड़ी में क्या से क्या हो जाऊंगा, क्या से क्या हो जाऊंगा। कब लगूं अच्छा किसी को, कब बुरा हो जाऊंगा। और घुटनों के बल चल रहा हूं मैं अभी इस वास्ते, घुटनों के बल चल रहा हूं मैं अभी इस वास्ते, मैं अभी इस वास्ते कल किसी दिन अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। और ये शेर भी सुनिएगा कि धूप से चेहरा अगर कुमला गया तो क्या हुआ। धूप से चेहरा अगर कुमला गया तो क्या हुआ, कुमला गया तो क्या हुआ। आएगी बरसात तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। धूप से चेहरा अगर कुमला गया तो क्या हुआ, आएगी बरसात तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। और जिंदगी की नब्ज को पहले जरा पहचान लूं, जिंदगी की नब्ज को पहले जरा पहचान लूं, पहले जरा पहचान लूं, देखना फिर हर मर्ज की मैं दवा हो जाऊंगा। और कह रहा हूं भीड़ से मैं यही तो बार बार, कह रहा हूं भीड़ से मैं अब यही तो बार बार। आज हूं मैं साथ तेरे, कल जुदा हो जाऊंगा। और जिंदगी देती नहीं फुर्सत के दो लम्हे मुझे, जिंदगी देती नहीं फुर्सत के दो लम्हे मुझे, जिंदगी देती नहीं फुर्सत के दो लम्हे मुझे। इस तरह जीने से तो अधमरा हो जाऊंगा, इस तरह जीने से तो यारो अधमरा हो जाऊंगा। और दर्द हूं भीतर का चेहरे पर मगर लिखा हुआ, दर्द हूँ भीतर का चेहरे पर मगर लिखा हुआ, चेहरे पर मगर लिखा हुआ। नंद तुम बाँचोगे जब तक मैं कथा हो जाऊंगा। मैं न जाने किस घड़ी में क्या से क्या हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सही रमेश नंद जी बता रहे हैं क्या से क्या हो जाऊंगा। पता नहीं शायद केजरीवाल की बात कर रहे हो। अब मैं बिल्कुल, मेरे साथ शंकर दीक्षित जी हैं, पन्ना से आए हैं। शंकर जी, बेहद व्यंग के साथ सुनाते हैं, गीतकार हैं, तो मैं शंकर जी से कहूंगी कि वो अपनी एक रचना हमको सुनाए। मित्रों, कुछ होली के छंद प्रस्तुत कर रहा हूं।
इसमें से कुछ छंद मेरे धर्मयुग में 84 में प्रमुखता से छापे थे दादा धर्मवीर भारती ने। देखिए होली का माहौल है और जैसा कि आदेश हुआ है कि धुआंधार रंगारंग ढोल ढमाके मृदंग और भंग की तरंग हुरदंगन की टोली है और गोबर गणेशन पे गोबर उछाल रहे और लुगवा लुगैयन की धारदार बोली है। नेह सो उठाए आज गले लिपटाए मिले हाली फूली दिखे आज प्रीत भी अबोली है और ली है शायद मौसम ने अरसों ही अंगड़ाई और होली के हुलास में पलाश आंख खोली है। और इसके बाद एक और छंद देखिए, तुम आए भले फगुना हट के दिन मूरख लागे हैं पंडित ज्ञानी होली जरी सबरी मर्जाद की भंग तरंगन बुद्धि नसानी ओ केसर रंग अबीर कहाँ हुरिहारे उली चाहे कीच को पानी ओ ज्ञान को छोंक लगे न भलो बस आज सुहाए कबीर की बानी ज्ञान को छोंक। और इसके बाद एक ये जो धर्म के मुछ एक नायिका ने भंग पी ली है उस भंग पी हुई नायिका की मनस्थिति का जिक्र इसमें किया है। देखिए अपनी सहेली से कहती है होली की दूसरी सुबह और उसकी भंग पी हुई नायिका की मनस्थिति कि धूम मची गली गली गैलन होरी को हल्ला फूटो आज फागुन को नशीलो भे निसारो है। धूम मची गली गली गैलन होरी को हल्ला फूटो आज फागुन को नशीलो भे निसारो है भले लागे रंगे चंगे घोरिया के अंग तंग और देखो गली गैलन हुरदंगन दवारो है काले काले लाल पीले पोत के हरीरे रंग अच्छे खासे खेत को बिजुका कर डारो है। काले काले लाल पीले पोत के हरीरे रंग अच्छे खासे खेत को बिजुका कर डारो है और भंग की तरंगनों में सूझना परत है बिन्ना तेरो घर वारो है के मेरो घर वारो भंग की तरंगन सूझना परत है बिन्ना तेरो घर वारो है के मेरो घर वारो है। और ब्रिज की होली से एक क्षण देखिए आप, महाकवि पद्माकर जी ने कृष्ण की तारीफ में राधिका की तारीफ में एक छंद लिखा था कि लली फिर आइयो खेलन होली। मैंने उसकी पलट करके कृष्ण की तारीफ में छंद लिखा है, उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ उनका, कि कृष्ण के छैल छबीले सखान ने छेक लई मिल राधिका गोरी कृष्ण के छैल छबीले सकान ने खेच छेक लई मल राधिका गोरी ओ कुंकुम मली कृष्णा मन भाए करी बर जोरी कुंकुम केसर गालो मली कृष्णा मन भाए करी गर बर जोरी गाए बजाए बिजू को बनाए उचंग उठाए के नादों में बोरी ओ कान ठठाए कहे मुस्काए लली फिर आइयो खेलन होरी कान ठठाए कहे मुस्काए लली फिर आइयो खेलन होरी। और बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, पन्ना से हूँ, तो बुंदेली में एक छोटी सी गज़ल प्रस्तुत करना चाहता हूँ। महिला जैसा कि आदेश हुआ है महिला दिवस भी है, देखिए आप बुंदेली में गज़ल कि रोज रोज गरल पी रहे तुम्हारे लाने रोज रोज गरल पी रहे तुम्हारे लाने हम तो हंस हंस के जी रहे तुम्हारे लाने हम तो हंस हंस के जी रहे तुम्हारे लाने राम दो जीवन को धवल पिछोरा जो राम दो जीवन को धवल पिछोरा अरे धवल पिछोरा रोज फाड़ फाड़ सी रहे तुम्हारे लाने हम तो मर मर के जी रहे तुम्हारे लाने हम तो मर मर के जी ले। और कलेवा आप जानते हैं, कलेवा यानी ब्रेकफास्ट, कि हम तुम तो काल के
कलेवा भर जानो, हम तुम तो काल के कलेवा भर जानो, कल आहे लिबुआ चलो जाने, हम तो मर मर के जी रहे तुम्हारे लाने। और कहते आगे इसका पत्नी के संबंध में कहता है कि वैसे ही जंजालन में हम उर्झे उर्झे, वैसे ही जंजालन में हम उर्झे उर्झे, तुम ऊपर से फिर रही भ्रकुटता, तो मर मर के जी रहे तुम्हारे लाने, रोज रोज गरल पी रहे तुम्हारे लाने, हम तो मर मर के जी रहे। अंत में तुम्हारे लाने बची खुची जिंदगानी शंकर सुधारो, अब बची खुची जिंदगानी शंकर सुधारो, अरे शंकर सुधारो, उते की कागत होने, राम जाने, हम तो मर मर के जी रहे तुम्हारे लाने, रोज रोज गरल पी रहे तुम्हारे लाने, हम तो हंस हंस के जी रहे तुम्हारे लाने, हम तो हंस हंस के जी रहे। क्या बात है, हम तो हंस हंस के जी रहे तुम्हारे लाने। यश जी, कंपटीशन बड़ा कर्रा हो गया है और आपको छा जाना है, तो अब मैं देर किए बगैर यश जी से बोलूंगी कि जल्द से जल्द ऐसी धुआंधार सुना दे कि यश धुरंधर अपना यहाँ पर रंग जमा दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है और कंपटीशन टफ है, तो यहीं से बात शुरू करते हैं। चार पंक्तियां मैं सीमा पे खड़े सैनिक को देना चाहता हूं भाई। मैं ओज का कवि हूं, लेकिन मैं हास प्रयास भी करूंगा, लेकिन मैं चार पंक्तियां यहां से शुरू कर रहा हूं कि दिल से दिल के तार जुड़े हैं, जन्मों के संस्कार जुड़े हैं, दिल से दिल के तार जुड़े हैं, जन्मों के संस्कार जुड़े हैं, और चाहे हो कितनी भी दूरी फिर भी ये व्यवहार जुड़े हैं। इन्हीं व्यवहारों को समेटे हुए हम ये होली मना रहे हैं। और चार पंक्तियां दीदी को देना चाहता हूं कि महंगे रंग महंगी पिचकारी महंगी हुई गुलाल, मतलब त्योहारों में महंगाई भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, रंग भी बहुत महंगे हो गए। महंगे रंग महंगी पिचकारी महंगी हुई गुलाल, और गुजियों में भी भरा नहीं है पहले जैसा माल, गुजियों में भी भरा नहीं है पहले जैसा माल, और गोरी की भी नहीं रही अब नागिन जैसी चाल, गोरी की भी नहीं रही अब नागिन जैसी चाल, और महंगाई से पिचक गए चिकने चुपड़े गाल, महंगाई से पिचक गए चिकने चुपड़े गाल। और चार पंक्तियां जैसे मंच बड़ा सद बहुत अच्छा समर्थ मंच है, बड़े बड़े कवि बैठे हैं, मैं चार पंक्तियां बड़े कवियों को देना चाहता हूं कि हम धीर हैं हम वीर हैं हम बहुत गहन गंभीर हैं, हम मीर हैं हम पीर हैं हम सांस्कृतिक प्राचीर हैं, हम संस्कारवान हैं पर पीढ़ा के वाहक हमी, कुटिल कुकर्मी के विरुद्ध भक्ति हमारी सदातनी। चार पंक्तियां देश के नाम करना चाहता हूं, अमृत महोत्सव चल रहा है, के हम भारतीयों की शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाह हो, हम भारतीयों की शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाह हो, बल शील साहस पराक्रम सदा भरा उत्साह हो, हर एक दूसरे के दिलों में सद्भावना सद्भाव हो, और तुमको हमारी चाहो हमको तुम्हारी चाहो, तुमको हमारी चाहो हमको तुम्हारी चाहो। और चार पंक्तियां ऐसे लोगों को देना चाहता हूं जो देश में रहते हैं और वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। दीदी जी, बिल्कुल कि जब जब तुमने चाहा हमने, जब जब तुमने चाहा हमने मुंह का कौर खिलाया, खुद कांटों पर सोए फूलों पर तुम्हें सुलाया, और कभी नहीं समझा अपने भाइयों से कम, और रहना हो तो कहना होगा वंदे वंदे मातरम, रहना हो तो कहना होगा वंदे मातरम। और एक कविता आप इस मंच पे रख रहा हूं, क्या है कि जो हमारे कई कलर होते हैं, हरा गुलाबी नीला पीला, मतलब सात रंगी कलर हैं,
उसमें एक कलर होता है काला, उस काले होली पे नया प्रयोग, उस काले रंग से मैं होली खेलना चाहता हूँ। और इस समय जो मैं कविता पढ़ रहा हूँ, मैं वहीं से बात शुरू कर रहा हूँ कि बना डाला है जिनने देश को राम भरोसे धर्मशाला, बना डाला है जिनने देश को राम भरोसे धर्मशाला, ऐसे कर्णधारों का कर दो चोराहों पर मुंह काला, ऐसे कर्णधारों का कर दो चोराहों पर मुंह काला, और चिथड़े चिथड़े चिंदी चिंदी ये राजा इन्हें देखो, चिथड़े चिथड़े चिंदी चिंदी ये राजा इन्हें देखो, हर पैदल के चरण चूमते खेलिए है इनका खोखो, और मर्यादित सागर तक इनको दिखता है गंदा नाला, ऐसे कर्णधारों का कर दो, ऐसे कर्णधारों का कर दो चोराओं पर मुकाला। और जिन्होंने जन्म दिया था इनको, व्यंग का मजा लेना आप, जिन्होंने जन्म लिया दिया था इनको, उनको इनने दफनाया, फिर उनकी छाती पर चढ़कर जश्न गीत जमकर गाया, धक्के देकर अरे धक्के देकर पूज्य पिता को घर से वंचित कर डाला, ऐसे कर्णधारों का कर दो चोराहों पर मुंह काला। और ऐसे कर्णधारों का मतलब एक व्यंग और देखा के जिनने जन्म दिया था उनको, उनको इनने दफनाया, फिर उनकी छाती पर चढ़कर जश्न गीत जमकर गाया, धक्के देकर पूज्य अन्ना को घर से वंचित कर डाला, ऐसे कर्णधारों का कर दो चोराहों पर मुकाला। और अपन ने गठबंधन की सरकार देखी है, एक गठबंधन सरकार में भी एक व्यंग करता हूं मैं इस चैनल के माध्यम से कि किससे बहुत सुने रावण के देखा नहीं कि था कैसा, किससे बहुत सुने रावण के देखा नहीं कि था कैसा, 24 सिर 48 सिंह का आज देख लिया भैसा, 24 सिर 48 सिंह का आज देख लिया भैसा, और किस खूटे से बांधोगे, अरे किस खूटे से बांधोगे जब हर खूटा ढीला ढाला, ऐसे कर्णधारों का कर दो चोराहों पर मुंह काला। और बहता पानी, कहीं बात लगे आपको कि यह धुरंधर ने बात की है, युवाओं के लिए बात की है, तो आशीर्वाद दीजिएगा, बहता पानी पीठ मगर की बंदर की सीना तानी, बहता पानी पीठ मगर की बंदर की सीना तानी, और कहां खाओगे कहां डुबाओगे कलेजा है हिंदुस्तानी, और आज पड़ा है चोरों का खूंखार डाकुओं से पाला, ऐसे कर्णधारों का कर दो चोराहों पर मुंह काला, ऐसे कर्णधारों का कर दो चोरों का मुंह काला, ऐसे कर्णधारों का कर दो चोराहों पर मुंह काला। और एक आरक्षण पर देना चाहता हूं कि जातिवाद के भूखे भेड़िए जब तक जंगल में बने रहेंगे, जातिवाद के भूखे भेड़िए जब तक जंगल में बने रहेंगे, सुविधा वाले सिफारशी टुकड़े जब तक उनको मिलते रहेंगे, और पिलाते रहेंगे जब तक वे प्रतिभाओं को विष का प्याला, ऐसे कर्णधारों का कर दो चोराहों पर मुंह काला, ऐसे कर्णधारों का कर दो चोराहों पर मुंह काला। और अंतिम बन दे रहा हूं आपको कि राजनीति से रुधिष्ठिर वाली भूमिका जब तक नहीं हटेगी, राजनीति से रुधिष्ठिर वाली भूमिका जब तक नहीं हटेगी, शिशुपाल की पहली गाली पर जब तक गर्दन नहीं कटेगी, और लोकतंत्र को तब तक ये समझेंगे अपनी रंगशाला, ऐसे कर्णधारों का कर दो चोराहों पर मुंह काला, ऐसे कर्णधारों का कर दो चोराहों पर मुंह काला। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल बिल्कुल, देशभक्ति का रंग भी यहाँ चढ़ चुका है, पन्ना का हीरा आप सुन चुके हैं क्या चमक रहा था, यश धुरंधर ने देशभक्ति का रंग सबके सीने में जगा दिया। अब हम मुंबई चलेंगे, मुंबई पहुंचकर एक गाना बहुत याद आता है, फिल्मी गाना अमिताभ बच्चन का, अरे आपको भी याद होगा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। मुंबई भी हमारे साथ है, मैंने आपको बता दिया था, मुकेश कबीर जी के पास चलेंगे तो मुंबई का रंग अब जमेगा। मुकेश जी, थैंक यू सो मच, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता के गीत आज मैं सुनाऊंगा, तो भारत माता के गीत आज मैं सुनाऊंगा, तो आप भी जरा सा मेरा साथ निभा देना,
आप भी जरा सा मेरा साथ निभा देना। ओ हमने तो सौंप दी, हमने तो सौंप दी ये जिंदगी वतन को, हमने तो सौंप दी ये जिंदगी वतन को। आप भी तो अपना हाथ बढ़ा देना, आप भी तो अपना हाथ बढ़ा देना। ओ बोल रहा पोर पोर भारत माता का शोर, बोल रहा पोर पोर भारत माता का शोर। दुनिया में चारों ओर जोर से गुंजा देना, दुनिया में चारों ओर जोर से गुंजा देना। मैं भी खुल जाऊं और तुम भी खुल जाओ जरा, इसलिए जोर से तालियां बजा देना, तालियां बजा देना। मैं अपना सीधा सीधा प्रतिनिधि गीत से जोड़ता हूँ। मेरा प्रतिनिधि गीत हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं ये बड़ा गीत है पर मैं उसमें से एक दो बंद सुनाकर आज होली मनाऊंगा। आपका आशीर्वाद दीजिए चाहिए। भारत के रहने वाले हैं भारत की महिमा गाएंगे, भारत के रहने वाले हैं भारत की महिमा गाएंगे, भारत के रहने वाले हैं भारत की महिमा गाएंगे। वो चाहे जितने कष्ट मिले, चाहे जितने कष्ट मिले हर जन्म यहीं पर चाहेंगे, चाहे जितने कष्ट मिले हर जन्म यहीं पर चाहेंगे। वो खुद मिटकर भी करते रहेंगे, वो खुद मिटकर भी करते रहेंगे इसको हम आबाद, वो खुद मिटकर भी करते रहेंगे इसको हम आबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और जैसा कि आज होली है तो मैं होली के बंदे से शुरू करता हूँ। भारत रंगीला होता है जिस दिन होली आती है, भारत रंगीला होता है जिस दिन होली आती है। इस दिन देश में खट्टी मीठी बोली बोली जाती है, इस दिन देश में खट्टी मीठी बोली बोली जाती है। और रंग में भर कर पिचकारी गोरी पर मारी जाती है, रंग में भर कर पिचकारी गोरी पर मारी जाती है। और तब पानी की बोछारें फागुन में आग लगाती है, तब पानी की बोछारें फागुन में आग लगाती है। और ये खास तौर से आप लोग का आशीर्वाद चाहूंगा इन दो लाइन पर। और इस दिन ब्रज की बाला होली, इस दिन ब्रज की बाला होली, वो लठ से खेल में जाती है, इस दिन ब्रज की बाला होली लठ से खेलने जाती है। और तभी तो दुनिया ब्रज मंडल की होली देखने आती है, तभी तो दुनिया ब्रजमंडल की होली देखने। वो क्या खासियत है ब्रजमंडल की? तभी तो दुनिया ब्रजमंडल की होली देखने आती है। वो सालियों से पिटता है, सालियों से पिटता है बरसाने का दामाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और एक और मैं खासतौर से बंदे सुनाना चाहता हूँ, चूंकि होली के भंगे के रंग में हम सब लोग, तो एक भारत ने दुनिया को एक बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण चीज दी है। दुनिया को रिश्तेदारी भारत ने सिखाई है, रिश्तेदारी भारत के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। भारत ने ही दुनिया को सिखलाई है रिश्तेदारी, भारत ने ही दुनिया को सिखलाई है रिश्तेदारी। और एक ही नारी में, एक ही नारी में माँ बेटी भाभी की हिस्सेदारी, एक ही नारी में, एक ही नारी में माँ बेटी भाभी की हिस्सेदारी। और भारत ने ही जीजा को ऊंचा स्थान दिलाया है, भारत ने ही जीजा को ऊंचा स्थान दिलाया है। ओ भारत के ही सालों ने जीजा को चूना लगाया है, भारत के भारत ने ही जीजा को ऊंचा स्थान दिलाया है, भारत के ही सालों ने जीजा को चूना लगाया है। भारत में ही होली पर, भारत में ही होली पर भाभी मतवाली होती है, भारत में ही होली पर, भारत में ही होली पर भाभी मतवाली होती है। और भारत में ही, और भारत में ही ससुराल की रौनक साली होती है, और भारत में ही ससुराल की रौनक साली होती है। और फूफा जी, एक और बेटा मना देखिए, और फूफा जी आते हैं, और फूफा जी तो आते हैं बस वो शादी के दिन याद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच। बाल, बाल, क्या बात, एक और सुना दे। मतलब मुंबई ने
चूना भी लगा दिया जी, मुंबई का काम। एक चूने का रंग बचा था वो भी चढ़ा दिया, लेकिन अभी मन नहीं भरा है तो होली के कुछ रंग और चढ़ जाएं। बिल्कुल, हमें होली का गीत सुना देता हूँ, दादा का आशीर्वाद चाहिए। फाग, अब चूंकि हम मुंबई में रहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन बेसिकली तो हम लोग सब गाँव के लोग हैं, शहरों में पहुँच गए वो अलग बात है। फाग हमारे देश का बड़ा गाई जाती रही और समय के साथ साथ इसके रूप बदल गए। मैंने भी एक फाग लिखने की बनाने की कोशिश की, आप लोग भी साथ देंगे तो मुझे बल मिलेगा, मजा आएगा। ओ खेलो खेलो रंगारंग फाग, ओ खेलो खेलो रंगारंग फाग, सजन आज होरी मची। खेलो खेलो रंगारंग फाग, सजन आज होरी मची। गाओ गाओ प्यार का राग, गाओ गाओ प्यार का राग, सजन आज होरी मची। खेलो खेलो रंगारंग फाग, सजन आज होरी मची। ओ जिनके घर में, मुद्दे की बात, जिनके घर में है कोई साली, जिनके घर में, जिनके घर में है कोई साली, उन जी जाके खुल गए भाग, उन जी जाके खुल गए भाग, सजन आज होरी मची। खेलो खेलो रंगारंग फाग, सजन आज होरी मची। और एक और टेक्निकल बात, भाभी को चुप चाप ही रंग ना, भाभी को चुप चाप ही रंग ना, भाभी को चुप चाप ही रंग ना, ओ कहीं जाए ना भैया जाग, ओ कहीं जाए ना भैया जाग, सजन आज होरी मची। खेलो खेलो रंगारंग फाग, सजन आज होरी मची। ओ सजनी के अंग अंग को रंग ना, सजनी के अंग अंग को रंग ना, सजनी के अंग अंग को रंग ना, ओ चाहे लग जाए फागुन में आग, ओ चाहे लग जाए फागुन में आग, सजन आज होरी मची। और ये दो बंद खास तौर से जिसके लिए मैंने पूरा गीत लिखा, आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। और जैसा आप काले रंग का जिक्र कर रहे थे, भ्रष्टों के मुंह, भ्रष्टों के मुंह काले रंग ना, भ्रष्टों के मुंह काले रंग ना, ओ बगुले को बना दो काग, ओ बगुले को बना दो काग, सजन आज होरी मची। खेलो खेलो रंगारंग फाग। और अंतिम बंद जो मैं इसमें संदेश देना चाहता हूँ, पर हुरदंग में ध्यान ये रखना, पर हुरदंग में ध्यान ये रखना, पर हुरदंग में ध्यान ये रखना, ओ कहीं दिल पे ना लग जाए दाग, ओ कहीं दिल पे ना ओ लग जाए दाग, सजन आज होरी मची। खेलो खेलो रंगारंग फाग, सजन आज होरी मची, सजन आज होरी मची। थैंक यू। क्या बात है, सजन आज होली मची। होली के रंग पूरी तरीके से अब अपने शबाब पर आ चुके हैं और धूमकेतु जी मेरे साथ हैं। धूमकेतु जी जब रंग जमाते हैं तो अच्छे अच्छे रंग फीके पड़ जाते हैं। धूमकेतु जी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दखल के इस कार्यक्रम में बहुत जबरदस्त टीम आई हुई है और निसंदेह रूप से सबने एक से एक बढ़िया बात कही है, बात जमाई है, सार्थक कर दिया। मैं आध्यात्म की पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूं। तेरे फोटो को ताक लेते हैं, तेरे फोटो को ताक लेते हैं, तेरी आंखों में झांक लेते हैं, तेरे फोटो को ताक लेते हैं, तेरी आंखों में झांक लेते हैं, तेरे अधरों को चूम लेते हैं, तेरी जन्नत में झूम लेते हैं, तेरे अधरों को चूम लेते हैं, तेरी जन्नत में झूम लेते हैं। आइए कुछ इस तरह से बात करें। शंकर दीक्षित ने बहुत बढ़िया एक बात कही थी, उसको मैं कुछ इस तरह से कहना चाहता हूं कि इस होली कल्लू
इस होली कल्लू नौकर के भाग कुछ ऐसे जागे, कल्लू नौकर के भाग, हाँ इस होली कल्लू नौकर के भाग कुछ ऐसे जागे, छह बच्चों वाली छमिया को साहब लेकर भाग। इस होली कल्लू नौकर के भाग कुछ ऐसे जागे, छह बच्चों वाली छमिया को साहब लेकर भागे, ओ भाई साहब की घुटी भांग ने कैसा रंग जमाया, भाई साहब की घुटी भांग ने कैसा रंग जमाया, कल्लू को साहब घरवाली अपनी छमिया लाके, कल्लू को साहब घरवाली अपनी छमिया। रंग में तो ऐसा ही होता है। कभी हमने भारत सरकार के कहने पर, जब यहाँ एक राज्यपाल महिला हो के आई थी, तो उस समय आकाशवाणी ने कहा कि आपको एक हास्य का गीत प्रस्तुत करना, एक तरफ लड़के बैठे होंगे, एक तरफ लड़कियां बैठे होंगी, लड़के के हाथ में पिचकारी होगी और लड़कियां कुछ कह रही होंगी, नहीं नहीं नहीं, उसका एक छोटा सा अंश, ओ गोरी हम डारेंगे रंग, गोरी हम डारेंगे रंग, हम डारेंगे रंग, गोरी हम डारेंगे रंग, ये लड़के कह रहे हैं। अब बेचारी लड़कियां कह रही हैं, हम डारेंगे रंग गोरी, हम डारेंगे रंग, हम डारेंगे रंग गोरी, हम डारेंगे रंग, मौसम बड़ा खराब चल रहा, हो जाएगी ठंड, हम डारेंगे आज हमारी चलेगी मर्जी, लड़के कह रहा आज हमारी चलेगी मर्जी, वो कह रहे देखो हो जाएगी सर्दी, आज हमारी चलेगी मर्जी, देखो हो जाएगी सर्दी, हम तुमको गोली ला देंगे, गोली खाकर हम बहकेंगे, बिला बजे का डाउट कर दी, बिला बजे का डाउट कर दी, डाल लाएंगे भंग, हम डारेंगे रंग गोरी, हम डारेंगे। एक होली का मजा है, लेकिन होली का मजा अपने अपने तरीके से लोग मनाते हैं। अब आपने मुझे बूढ़ा ही बना दिया एकदम, के सबसे बुजुर्ग कभी भी हमारे बीच में बैठे, निसंदेह रूप से बैठे तो है ये तो, और ये भी सही बात है कि हंसी आप, गुलबदन आप, नूरी और मयूरी हैं, हंसी आप, गुलबदन आप, नूरी और मयूरी हैं, रंग रूप की छटा निराली हर दृष्टि से पूरी है, और ये भी सच है, ये भी सच है, हम बूढ़े हैं आपकी भी मजबूरी है, कामयाबी के लिए मोहतरमा तजुर्बा बहुत जरूरी है, कामयाबी के लिए मोहतरमा तजुर्बा बहुत जरूरी है। असल में क्या है कि ये तो मंचे की वो कवित्री भी हैं, एंकर भी हैं, इसकी प्रधान संपादक भी हैं, और बड़े बड़े दिग्गज लोग इनके सामने पानी भरते हैं जब ये साक्षात्कार लेती हैं, हम तो छोटे से लोग हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बरसती बूंद में देखो बला की बुदबुदाहट है, बरसती बूंद में देखो बला की बुदबुदाहट है, चटकती चांदनी में भी चाहत की चुलबुलाहट है, अभी कम सिन हो कोमल हो कयामत बाद में ढाना, अभी कम सिन हो कोमल हो कयामत बाद में ढाना, कली को कामनी बनने की कितनी कुल बुलाहट है, कली को कामनी बनने की कितनी कुल बुलाहट है। आजकल क्या है कि मुझसे कई बड़े बड़े पत्रकारों ने होली के ऊपर कुछ नए दोहे या कुछ इस तरह से लिखने को कहा, और अभी पांच जान में छप भी रहा है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उनको उजागर कर, बिल्कुल ताजे हैं, इसलिए हो सकता है कि मैं मतलब कि एक दो जगह देख भी लूं, लेकिन ताजे हैं तो लोग आपके ताजे बड़े करारे होते हैं। तो यहाँ ताजे और करारे दोनों का मेल है। तो फिर आप इस तरह से लीजिए, छोटा बाबा बता रहा बड़ा बाबा चोर, व्यंग का मजा लेना, छोटा बाबा बता रहा बड़ा बाबा चोर, हाँ छोटा बाबा बता रहा बड़ा बाबा चोर, और फिल्म बड़ी मशहूर थी, फिल्म बड़ी मशहूर थी, चोर मचाए शोर, आजकल आपने देखी एक एक दो बाबा पहले से हमारे यहाँ है ही 2014 से, और एक और आजकल बाबा बन गया है बड़ी बड़ी दाढ़ी, इसलिए मैंने कहा कि छोटा बाबा बता रहा बड़ा बाबा चोर, फिल्म बड़ी मशहूर थी, चोर मचाए शोर,
और भारत में है नेत्रियां, भारत में है नेत्रियां गिनती की कुल तीन। अब शंकर दीक्षित ने पूछा था मुझसे कि गिनती की कुल तीन कौन, मैंने कहा नेत्रियां। अभी नेत्रिया की बात नहीं हो रही है, ना कवित्री की बात हो रही है, अभी तो नेत्रियों की बात हो रही है। भारत में है नेत्रियां गिनती की कुल तीन, उनमें दो संगीन है, उनमें दो संगीन मगर एक रंगीन। क्या बात है, दो संगीन एक रंगीन। हाँ, तो ये क्या, ये तो बताओ मैं क्यों बताऊं, क्योंकि वो सीमा प्रांत हैं, लगते हैं भाई हमारे, हम क्यों कहें कि महबूबा है या ममता के, क्यों कहें जरूर मतलब बताइए, बताइए बताइए कि इनकी महबूबा है कि इनकी ममता है, बताइए। और फिर एक रंगी ना, सबको मालूम है कि उससे अच्छे कोई है ही नहीं राजनीति, प्रियंका बार बार क्यों खेलवा रहे भाई सवाल ये। सियार फिर से तन रहे, सियार फिर से तन रहे, शेर बने हैं दीन। सियार सियार फिर से तन रहे, शेर बने हैं दीन। जयचंद जाफर मान सिंह गिनती के थे तीन, ये बोल जाफर मान सिंह। और 370 क्या हटी, इस हकीकत को भी केवल मीडिया के माध्यम से और इस ऐसे पवित्र मंच के माध्यम से जो काट छाट नहीं करता, सीधे सीधे दिखाता है, ये व्यंग का मजा लेना आप कि 370 क्या हटी, 370 क्या हटी रोए बेटा बाप, 370 क्या हटी रोए बेटा बाप। और खुद के कपड़े फाड़ कर, खुद के कपड़े फाड़ कर खाला करे प्रणाम, खाला करे प्रणाम। और एक और व्यंग का मजा लीजिए कि मंदिर के निर्माण में, मंदिर के निर्माण में मलाई दूसरे खाएं, मंदिर के निर्माण में मलाई दूसरे खाएं, हम दोनों भाई बहन, हम दोनों भाई बहन केवल घंटा हिलाएं, हम दोनों भाई बहन केवल घंटा बजाएं। बदलो लुप्ता सबसे आगे समाजवादी गुलफाम, बदलो लुप्ता सबसे आगे समाजवादी गुलफाम। और बिना ब्रेक की जुबान है कौन खेचे लगाम, बिना ब्रेक की जुबान है कौन खेचे लगाम, कौन खेचे लगाम। एक और बात कि वे भी हमको आजकल देती हैं चेले, हमको आजकल, ये बहुत बड़ी बात है साहब, इसलिए बताना भी पड़ेगा, ये तो बताना ही पड़ेगा कि जैसे ही यूपी के चुनाव आए तो यूपी के चुनाव में एक बहुत तेजी से एक महिला उभरी और उसने जो कुछ करना था, तो एक जागरूक पत्रकार ने, हमारे उपाध्याय जी से जैसे जागरूक पत्रकार ने योगी जी से पूछा कि अब तो वो महिला भी आ गई है, अब आपका क्या कहना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और बहुत तेजी से बढ़कर आई है। तो उनके भोपाल का वो कवि ने कह दिया है, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं कहना, और ये कह के वो चले गए। अब वो बेचारा पत्रकार बड़ा परेशान हो गया, कौन है यार भोपाल का कवि। रात के 3 बजे उस पत्रकार ने मुझे फोन किया कि दादा आप ही ने कुछ कहा होगा, कुछ कह गए क्या आप इधर। मैं हाँ कह तो गए थे, क्या किए गए थे। तो मैंने कहा मैंने तो सिर्फ इतना सा कहा था कि वे भी हमको आजकल देती हैं चैलेंज, वे भी हमको आजकल देती हैं चैलेंज, मोबाइल में जिनके नहीं बचा बैलेंस, मोबाइल में जिनके मुद्दा विहीन पार्टी, मोबाइल में जिनके नहीं बचा बैलेंस। और एक दो और यूनिवर्सिटी हजार हैं, 3 मगर विकराल, क्या क्या हो जाता है कभी कभी, यूनिवर्सिटी हजार हैं, 3 मगर विकराल, पैदा होते जहां पर हरे जहरीले लाल। एक पत्रकार ने कहा नहीं आपने 2 रंग का तो जिक्र कर दिया, हरे और लाल का, हम भी समझ गए कि आपका इशारा सिम टाइप की स्टूडेंट यूनियन हो सकती है, लाल का मतलब हो सकता है नेक्स्ट लाइफ, मगर ये जहरीला क्या होता है, ये तो हमने रंग नहीं देखा। और ऐसा करके मेरे इस शेर को, मेरे इस दोहे को ही सुधार गया। मैं कहा अरे सुनो तो सुधार ही गया साहब, जहरीले का हटा के क्या लिख गया, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी हजार हैं 3 मगर विकराल, यूनिवर्सिटी हजार हैं 3 मगर विकराल, पैदा होते जहां पर हरे भगुआ लाल।
यार भगुआ लेके चले गए। विद्यार्थी परिषद भी तो होती है, बताइए कहाँ जोड़ा उसने, कहाँ से कहाँ, एक बोतल में एक फ्री। अब इसको कैसे छोड़ दें अपन, गालिब साहब का राज चल रहा है इस समय, एक बोतल में एक फ्री, गालिब साहब का राज, और फोकट ये सब खुश हुए दिल्ली में सरताज। लोग बाग जब केजरीवाल पे कहते हैं कि तो गलत नहीं कहते, आरोप लगाते हैं तो गलत नहीं आरोप लगाते, इसलिए मैंने कह दिया, वरना बेचारे वो बंद पड़े हुए हैं अपने शिक्षा मंत्री। शिक्षा के संग आपकारी, यही एक संताप, सुबह सुबह तो पुण्य मिले, रात में पापी पाप, रात में पापी पाप, और बना रहे मजबूत बांध। लोग बाग कहते हैं सबकी बात कर रहे हो, आप मोदी जी के लिए भी तो कुछ कहिए, देखिए वो विकास की कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। तो कहना अब होली पे तो कुछ कह दीजिए। तो फिर हमने कहा बना रहे मजबूत बांध लहराएंगे खेत, बना रहे मजबूत बांध लहराएंगे खेत, और एक तगारी सीमेंट में 20 तगारी रेत, एक तगारी सीमेंट में 20 तगारी रेत, और जनता जिसकी माई बाप, तब तक उसमें प्राण रूठ गई तो समझिए पहुंच गए शमशान, रूठ गई तो समझिए पहुंच गए शमशान। धूमकेतु जी ने ये बात बिल्कुल ठीक है कि रंग फीके कर दिए हैं। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे, कहीं जाइएगा मत क्योंकि रंग अभी बाकी है। हाय। अच्छा मस्ती और मुझसे कौन कहता है पनीर सीधा साधा होता है, ये ना तो सीधा है ना सादा, चटपटा है। नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, स्पाइस इन्फ्यूज पनीर, खाओ कभी भी कहीं भी। मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, पनीर पे अब मस्ती चढ़ गई। होली खेले रघुवीरा, वध में होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, वध में होली खेले रघुवीरा। होली के रंग जम चुके हैं, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। महिला दिवस भी 8 तारीख को है, इधर राधा संग होली, गोपियों संग होली, और इधर महिला दिवस, तो ये मेल जो है वो बड़ा ही अद्भुत इस बार आया है। कुछ ग्रह नक्षत्र आपस में मेल खा जाएंगे दादा? हाँ निश्चित रूप से। भाई बिना महिला के होली हो ही नहीं सकती, होली का कोई औचित्य नहीं है। हमारे साथ आज कवित्री नहीं थी, आप बैठ गई तो जो है 4 चांद लग गए, 1 2 3 बीस हम 5 हैं। तो इस बार दादा अब महिलाओं पे थोड़ा रंग जम जाए, तो मैं नंद जी से आग्रह करूंगी कि महिलाओं पे कुछ सुना दें। एक महिला छत पर मूंगफली खा रही थी, पति ने कहा क्या कर रही है, तो उसने एक मूंगफली दे दी, तो पति बोला क्या बस, कहने लगी सब में एक ही सा स्वाद है। पति ने कहा पत्नी से कि भगवान मैं शादी से पहले बहुत आवारा था, क्या तुम भी थी, तो पत्नी बोली जब मिलान नहीं मिलता तो शादी कैसे होती। क्या बात है। एक गीत रखता हूँ, चाट के ठेले से उठा के लाया हूँ इस गीत को, अच्छा लगेगा तो आशीर्वाद दीजिएगा। एक शब्द थोड़ा इसमें आंख मारने का आया है, तो उसको नजरें करके मैं पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। कि हमसे जाए नहीं बुझाई, ओ बालम हर जाई, तूने कैसी अगन लगाई, नजरे मार मार मार, नजरे मार मार मार। छन सुनिएगा। पहली बार मिले थे हम तुम एक चाट के ठेले पर, बहुत भीड़ थी फिर भी तुमने डाली नजर अकेले पर, बहुत भीड़ थी फिर भी तुमने डाली नजर अकेले पर, तो मैं ऐसी घबराई,
जल्दी दही कचौड़ी खाई चटनी डार डार नजरें मार 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 जान पहचान हुई थी अपनी चलते चलते रस्ते में तुमने बाइक से कट मारा करके हमें नमस्ते में तो दौड़ी दौड़ी घर को आई पीछे देखत राम धुआई मुड़ के बार 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 नजरें मार 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 धीरे धीरे बात फैल गई सारे गली मोहल्ले में धीरे धीरे बात फैल गई सारे गली मोहल्ले में ऐसी हवा प्यार की चल गई अपनी बल्ले बल्ले में कि ताना देने लगी भौजाई कि ताना देने लगी भौजाई भेजी तुमने जन्म बधाई करके तार 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 नजरें मार 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 होने वाले आए ससुर जी एक दिन घर पर मिलने होने वाले आए ससुर जी एक दिन घर पर मिलने अगले माह पड़ेंगे फेरे मन में फूल लगे हैं खिलने तो कर गए रीत रसम की अदाई और फिर बजने लगी सेनाई अखियां चार 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 नजरे मार 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 दो छंदों में इसकी पलट है कि छह बच्चों के बाप फिर भी अखियां लग गई गैरों से छह बच्चों के बाप हैं फिर भी अखियां लग गई गैरों से एक दो चार नहीं है मेरी सौतन हो गई ढेरों से एक दो चार नहीं है मेरी सौतन हो गई ढेरों से घर में होने लगी है लड़ाई रोजई करने लगे हैं पिटाई डंडे मार 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 नजरें मार 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 अंतिम क्षण सुनाता हूँ एक दिन जाकर लपट लिखाई हमले महिला थाने में एक दिन जाकर रपट लिखाई हमने महिला थाने में सारे भूत इश्क के उतरे उनके हंटर खाने में तो मैंने कैसी जुगत लगाई पकड़ रहे थे आज कलाई करके प्यार 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 नजरे मार 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 बहुत बहुत शुक्रिया करके प्यार 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 और नजरें मार 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 महिला थाने पहुंचा दिया आज तो महिला दिवस का सशक्तिकरण बता दिया नंद जी ने हमारे साथ हीरा का पन्ना जो है पन्ना का हीरा जो है चमक रहा है तेज और मैं दीक्षित जी से आग्रह करूंगी कि महिला दिवस पे थोड़ा कुछ हो जाए जैसा कि आदेश हुआ है इसी में समाहित है सब देखिए एक हिंदी गीत का है बात करने का भी कोई कारण लगे बात करने का भी कोई कारण लगे हम बुढ़ापे में मिस मारन लगे हम बुढ़ापे में मिसकाल मारन लगे बात की बात का ना बतन ना बने बात की बात का ना बतन ना बने बात ही बात में बात टारन लगे हम में मिसकाल मारन लगे बात करने का भी कोई कारण लगे हम बुढ़ापे में मिसकाल मारन लगे ओ खाद पानी
समय पर दिया पेड़ को खाद पानी, समय पर दिया पेड़ को, इसलिए ही तो फल डार डारन लगे, हम बुढ़ापे में मिसकाल मारन लगे, हमने सीखा सदा हार कर जीतना, ने सीखा सदा हार कर जीतना, आखिरी दांव हम कैसे हारन लगे, बुढ़ापे मिसकाल। और ये जो शेर है क्या है, बुंदेलखंड में हर जगह हिंदुस्तान भर में जब नई बहू ब्याह की आती है तो ननद भौजाइयां बहुत परेशान करती हैं, उस बात को मैंने इसमें रेखांकित करने की प्रयास किया है कि सुनने को नव वधू की मधुर बत कही, सुनने को नौ वधू की मधुर बत कही, अरे मधुर बत कही ननद भौजियों के कान, ननद भौजियों के कान, ननद भौजियों के कान, घर के वारन लगे, हम बुढ़ापे में मिसकाल मारन लगे, बुढ़ापे में मिसकाल मारन लगे। और कवि की ख्वाहिश है एक अदद गंध झोंके सी हो जिंदगी, एक अदद गंध झोंके सी हो जिंदगी, आत्मा मन की सच्ची पुजारिन लगे, हम बुढ़ापे में मिसकाल, बात करने का भी कोई कारण लगे, हम बुढ़ापे में मिसकाल मारन लगे, हम बुढ़ापे में मिसकाल मारन लगे, वाह, हम बुढ़ापे में मिस्ड कॉल मारन लगे, इसीलिए तो हीरा है ये पन्ना के, बुढ़ापे में मिस्ड कॉल मारन लगे, उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं, जैसा हीरा खोदने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, ये वही हीरा हैं जो पूरी जिंदगी लगा दी खोदने में, जिनको यश जी के पास जाएंगे, महिला दिवस है तो कुछ तड़कता भड़कता सामने आ जाए। चार पंक्तियां और एक कविता, पंक्तियां महिलाओं को समर्पित कर रहा हूँ, देश की युवाओं महिलाओं से बोलना चाहता हूँ, युवा महिला, युवा शक्ति से बात करना चाहता हूँ, युवा, हाँ हाँ, ढह जाना वापिस कि तिल रुखसार नयन कटार, तिल रुखसार नयन कटार, सुडोल कटी कुछ शर्म करो, तिल रुखसार नयन कटार, सुडोल कटी कुछ शर्म करो, जटिल विषय हैं अभी और भी, उन पर भी कुछ ध्यान रखो, उलझी जुल्फों को तुम कब तक सुलझाओगे कभी वरो, उलझी जुल्फों को कब तक सुलझाओगे कभी वरो, धर्म संस्कृति राष्ट्र हित पर कुछ तो लिखो ये मान्य वरो, धर्म संस्कृति राष्ट्र हित पर कुछ तो लिखो ये मान्य वरो। और एक कविता, हास्य व्यंग की कविता, होली पे चलती है और व्यंग भी आएगा, और एक्चुअली क्या, मैं जो जिस जगह में जाना चाह रहा हूँ इस कविता के माध्यम से जाऊँगा कि पीएम हर आदमी को बनना है, कुर्सी सबको चाहिए, तो एक कविता रख रहा हूँ कि वीर गति पाने के बाद रावण के कुछ खासम खास, वीर गति पाने के बाद रावण के कुछ खासम खास, कहलाते थे टेसू राजा, टेसू राजा खुद ही ढपली खुद ही बाजा, क्या बात है, कहलाते थे टेसू राजा, अब होली पे टेसू, टेसू राजा खुद ही ढपली खुद ही बाजा, और दिल्ली में एक मिला अड़ा, खाने को मांगे पीएम बड़ा, पीएम बड़ा दिल्ली में, अब दही बड़ा, दिल्ली में एक मिला अड़ा, खाने को मांगे पीएम बड़ा, पीएम बड़े में मिर्ची बहुत, आगे खड़ी कमलनी फोर्स, पीएम बड़े में मिर्ची बहुत, आगे खड़ी कमलनी फोर्स, जिसने मिलकर करी चढ़ाई, बीच में निकली दमदमी माई, किसने मिलकर करी चढ़ाई, बीच में निकली दमदमी माई, माई ने फैलाया जाल, पहले निपटे लल्लू लाल, माई ने फैलाया जाल, पहले निपटे लल्लू लाल, पहले निपटे लल्लू लाल, लल्लू लाल की एक ही मांग, अब होली पे वो भी मांग कर रहा है,
लल्लू लाल की एक ही मांग, सारे मर्द पीले भांग। लल्लू लाल की एक ही मांग, सारे मर्द पीले भांग, और भांग ने चमत्कार दिखलाया, दद्दा से पप्पू टकराया। भांग ने चमत्कार दिखलाया, दद्दा से पप्पू टकराया, पहले दोनों में नहीं बनी, बाद में हो गई तना तनी, तना तनी से मिला तनाव, एक बंदरिया खारी ताओ। तना तनी से मिला तनाव, एक बंदरिया खारी ताओ, मौसी बोल सकते हैं, एक बंदरिया खारी ताओ, और बार बार अटकाए रोड़ा, उसको मिल गया ढीला घोड़ा। बार बार अटकाए रोड़ा, उसको मिल गया ढीला घोड़ा, जिसकी मालिश कम्युनिस्ट करते, खुद ही मरते, खुद ही खपते, और चलते चलते वो सो जाता, सोते में जमकर चिल्लाता, कैसा पुण्य कैसा पाप, हम तो हैं घोटाले टाप। कैसा पुण्य कैसा पाप, हम तो हैं घोटाले टाप, जागो जागो वीर जवान, खतरे में है हिंदुस्तान, जब तक है शरीर में सांस, अटल हमारा हो विश्वास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, आओ राम राज्य फिर लाएं, जगत गुरु फिर देश बनाए, जगत गुरु फिर देश बनाए, जय हिंद जय भारत। वाह यश जी, मतलब सबको घेर के यही मार दिया, क्या बात है। फिर मुंबई चलेंगे और फिर कबीर जी से सुनेंगे कैसा जम रहा है रंग मुंबई में। सबसे पहले तो मैं महिला दिवस की आपको बधाई देता हूँ, खास तौर से आपको, और ये मेरे जीवन की सबसे पहला मुक्तक है जो मैंने सबसे पहले लिखा था, वो मैं आज आपको सुनाता हूँ। महिला बहुत सहनशील होती है, खासकर भारत की नारी बहुत सहनशील होती है, पर कुछ बातें वो सहन नहीं कर पाती, वो क्या बात है, क्या राज है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कि आते ही सेल्समैन ने दरवाजा खोला, आते ही सेल्समैन ने दरवाजा खोला, और हजार रुपए का चावल सौ रुपए में तोला, इतने पर भी मैडम ने वापस कर दिया झोला, कहने लगी पहले तू ये बता तूने मुझे आंटी क्यों बोला। ये कमजोरी, बहुत बढ़िया। हजार रुपए का चावल सौ रुपए में तोला और झोला इसलिए वापस कर दिया क्योंकि आंटी था बोला। वाह क्या बात है। अब धूमकेतु जी हैं और महिलाएं बच जाएं संभव नहीं है, उम्र पे मत जाइएगा। मैं तो विकास की बात करता हूँ, और नीरज जी को एक बार मैं मंच का संचालन करते हुए इन पंक्तियों से मैंने बुला लिया, और नीरज जी ने कहा ये क्या करता है यार, और मैंने सिर्फ इतना सा कहा कि अस्ताचल की ओर प्रस्थान करते हुए महाकवि से हमने पूछा, गुरु आपने अपने जमाने में कितनी प्रेमिकाएं बनाई। अस्ताचल की ओर प्रस्थान करते हुए महाकवि से हमने पूछा, गुरु आपने अपने जमाने में कितनी प्रेमिकाएं बनाई। प्रश्न सुनते ही गुरु आग बबूला हो गए, बोले धूमकेतु तुम्हारे इस प्रश्न से लगता है तुम्हारी अक्ल बहुत मोटी बहुत भारी है, तुम्हारी अक्ल बहुत मोटी बहुत भारी है, भैये विकास कार्य आज भी जारी है। तो नीरज जी की इर्द गिर्द सबसे ज्यादा जो है सिग्नेचर, उनके दस्तखत, उनके हस्ताक्षर लेने के लिए महिलाएं पहुंचती थी, तो इसलिए वो मैंने बात कही। आइए कुछ मैं इस तरह से भी बात करना चाहता हूँ, आपने महिला वर्ष की बात करी है, तो मैं एक तो कहता हूँ कि आपने जो मंच का संचालन किया मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात, शुक्रिया। हाँ, उसका कारण ये कि इसलिए कभी मैंने कहा भी है ये वाली बात कि ये जो चहके तो गुलफिशानी है, फूल खिलने को कहते हैं गुलफिशानी, ये जो चहके तो गुलफिशानी है, ये जो महके तो रात रानी है, ये जो चहके तो गुलफिशानी है, ये जो महके तो रात रानी है, ये जो बहके तो हसीन गुना, और मुस्कुराए तो बस जवानी है, मुस्कुराए तो बस जवानी है। लेकिन
आज तारीख है आज, और आज अगर हमने महिला की बात नहीं की तो ये मंच एक तरह से अधूरा रह जाएगा। मैं अपने जीवन की एक ऐसी रचना सुनाता हूँ जिस पर मेरी किताब भी है, अभी तक मेरी 6 किताबें आई हैं। तो आइए यहाँ से बात शुरू करता हूँ। पुरानी जरूर है और 25 साल के बाद मैं सुना रहा हूँ, क्योंकि आज आपने कहा तो मेरा मन हो रहा है कि सुना दूँ। अगर कहीं भूल भाल भी जाऊँ तो अलग बात है, लेकिन कोशिश करता हूँ। लड़कियों के कॉलेज में कवि सम्मेलन, हमारे ना जाने कौन से पूर्व जन्म के पुण्य जो हमें बुलाया गया, लड़कियों के कॉलेज में कवि सम्मेलन, हमारे ना जाने कौन से पूर्व जन्म के पुण्य जो हमें बुलाया गया। जैसे जैसे कॉलेज नजदीक आता था हमारा दिल बुलेट एक्सप्रेस की तरह 200 किलोमीटर की रफ्तार से पटरियां छोड़ छोड़ कर उसोर जाता था। हम उनके मुख्य द्वार में बजरंग बली की जय के उस घोष के साथ अंदर घुसे। लड़कियों का महासमुद्र देखकर जिस प्रकार इमरजेंसी माई के सामने चौवे पंजे छक्के फ्लेट हो जाते थे, उसी प्रकार से गिर पड़े। मक्खन जीन चंपा जी चहकी, गुलबदन चमेली जी चुलबुलाई, ताराबाई सेंडो की डुप्लीकेट कॉपी कुमुद जी ने कंधा मारा, और मैडम रात रानी के मखमली आगोश में हमने होश संभाला। वहां में धक्के दे रही थी और हम उनकी गोद में चिपके जा रहे थे। ऐसे 40 साल पुरानी रचना है। वो हमें धक्के दे रही थी और हम उनकी गोद में चिपके जा रहे थे। ऐसे 40 साल के वैवाहिक जीवन में 2 बार तलाक दे देने के बाद भी कांग्रेस कुर्सी से चिपकना चाहती है। जैसे हमें उनकी गोद में मीठे मीठे सपना, व्यंग का मजा लेना, हमें उनकी गोद में मीठे मीठे स्वप्न आ रहे थे। और एक स्वप्न तो आज तक याद है जिसमें जंतर सर्कस का शेर और इमरजेंसी माई एक प्लेट में हिंदुस्तान को रखकर हलवे की तरह खा रहे थे। एक चरण सिंह और इंदिरा गांधी एक प्लेट में हिंदुस्तान को रखकर खा रहे थे। आखिर एक लड़की ने हमारे पैरों को पकड़ा, 3-4 ने जोर से जकड़ा, हमने पैर फड़फड़ाए, हाथ जोर जोर से हिलाए, लड़की के हाथ से पैर तो छूट गया, पेंट पकड़ा गया। उस मैं उसके इस कृत्य से शर्म के मारे जमीन में गड़ गया। मुझे लगा जैसे जनता पार्टी का भारी बहुमत बेचारी एक अखिल भारतीय संस्था के ऊपर चढ़ गया। लड़कियों और मेरे बीच होने लगी थी खिंचाई, दोनों ओर से मैदान जीतने की होड़। मैंने सारी हेकड़ी को छोड़ आधुनिक कृष्ण बाल ब्रह्मचारी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए कहा, प्रभु वाजपेयी जी द्वापुर में आपने कृष्ण बनकर द्रौपदी की लाज बचाई, कलयुग में अपने द्रोपता को बचाओ, कलयुग में अपने द्रोपता को बचाओ। लड़कियां बोली अब ज्यादा आंख मत मटकाओ। मैंने कहा प्रभु वाजपेयी जी मेरी रक्षा करो। लड़कियां बोली अभी वो स्वयं अपनी रक्षा करने में व्यस्त हैं, उन पे भरोसा मत करो। फिर एक लड़की बोली बोल क्या सुनाएगा। मैंने कहा आप मेरे स्वाभिमान से खेल रही हैं, ये बंबई का चकल्लत छोड़िए, ये बंबई की चकल्लत छोड़िए, जहां पहले कविता सुनाए जूरी से जचवाएं, उन्होंने कहा यहाँ तो ऐसे ही चलेगा और वही जमेगा जो श्रृंगार पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, एक नवगीत सुने कि पूनम की रात संध्या के साथ झील के उस पार करते बिहार, दूधिया चितवन नैनों के बाण प्यासे अधर भोए कमान, उबरे उरोज सुर्ख कपोल नागिन से जुल्फे मिश्री से बोल, सावन के झूले संध्या के कूले, जिन्हें आज तक नहीं भूले, जिन्हें आज तक नहीं भूले, सरगम और थाप चेहरा शबाब शराब और सुराई, लड़की चिल्लाई अरे सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद, तुझे हम पर नग्न कविताएं सुनाने में शर्म नहीं आई, बोल कौन सी कविता सुनाएगा। मैंने कहा एक नवगीत सुने कि पूनम की रात संध्या के साथ झील के उस पार करते बिहार, दूधिया चितवन नैनों के बाण प्यासे अधर भोए कमान, उभरे रोज सुर्ख कपोल नागिन से जुलते मिश्री से झोल, सावन के झूले संध्या के कूले, जिन्हें आज तक नहीं भूले, जिन्हें आज तक नहीं भूले, सरगम उत्थाप चेहरा शबाब शराब और सुराई, लड़की चिल्लाई अरे सत्यवादी हरिश्चंद्र की ओर की औलाद, तुझे हम पर नग्न कविता सुनाने में शर्म नहीं आई। अरे हम होंगे किसी की माँ, किसी की बहू, किसी की बहन, हम होंगे किसी की माँ, किसी की बहन,
किसी की बहन अनाधिकाल से तुम पुरुषों के अन्यायों को करते रहे सहन, गंदली राजनीति से प्रगतिशील साहित्य तक, चकला घरों से सौंदर्य नुमाइश तक तुम हम तेजस्विताओं के धवल चेहरे पर पोतते रहे कालिक, करते रहे बदनाम, स्वार्थ की मेली चादर पर सुख सुविधाओं की कालीन बिछा, रक्त पिपासों तुम्हें सोचता रहा काम, हमारी कोख से जन्म लेने के बाद एहसान फरामोश हमें समझते हो जिंदा लाश, चांदी के चंद टुकड़ों पर खरीद रहे हो गरीबों के पेटों की आग, बेसहारा मजबूर अविकसित झुग्गी झोपड़ियों की बेटियों पर कर रहे हो घात, कवि सम्मेलन में इसी प्रकार का घोर दिगंबरी श्रृंगार पड़ेगा तो साहित्य के कौन समाज की सेवा क्या इसी प्रकार से करेगा, क्या क्या तुम क्या तुम सीता मरियम का त्याग, पन्ना हाड़ी का स्वाग, पद्मनी का जोहर, मीरा का उत्सर्ग, चांद बीबी रोशन आरा, दुर्गावती की बहादुरी, महादेवी का काव्य, अहिल्या का न्याय, सुभद्रा कुमारी चौहान की शत्रुओं को हुंकार, लेकिन अफसोस तुम्हें सूझता है सुरा सुराई, नायिका की कमर और भूडा श्रृंगार, अतीत से करते हो घृणा, ऐतिहासिक कविताएं सुनाने में शर्माते हो, श्रृंगार दलदली जमीन पर कवि सम्मेलन के फुसफुसे महल को उठाते हो, आखिर ये नाटक नौटंकी कब तक चलेगा, और जिस राष्ट्र का वर्तमान सुरा सुराई की बेसाखियों पर खड़ा हो उस राष्ट्र का भविष्य क्या खाक बनेगा, अरे मेरे देश को बचाओ, मेरे साहित्य को बचाओ, मेरी ललनाओं के स्वाभिमान को बचाओ, मेरी महिलाओं के सौभाग्य को बचाओ। दादा धूमकेतु ने जो धूम मचाई है, जो महिलाओं के अस्तित्व की आवाज उठाई है, धूमकेतु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में जाते जाते मेरी भी लिखी हुई आधी आबादी मुझे याद आई है जो मैं सुनाना चाहूंगा। आधी आबादी हूँ मैं दादा, जरा मोबाइल में देखकर सुनाऊंगी क्योंकि आपके जैसा जैसी पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको आपको यहाँ प्रस्तुत मैं करूँगा, आप अभी तक हम लोगों को नचा रही थी, अब हम चाहते हैं कि हमारी इस बात पर आप थोड़ा सा देखिए, बेटियाँ इस देश की वीरांगनाएं, सीता रजिया दुर्गा की वे प्रतिमाएं, देश के खातिर समर्पित हाड़ी की सारी जवानी, मौत बनकर डोलती थी झांसी वाली वो मर्दानी, मीरा ने बढ़कर पिया था जहर का प्याला, तब त्याग तपस्या ने बलिदानों को पाला, बेटियां चिंगारी और बेटे बने अंगार, ज्ञान का भंडार मेरा देश जिस पर रूढ़ियों की मार, झुक रहा भाल माँ भी हो रही व्याल, तो मैं चाहूंगा कि मातृशक्ति की ओर से जबरदस्त ज्वाला उठ खड़ी होना चाहिए। आज तो मैं बहुत खुश हूँ कि पूरा देश जो है उठ खड़ा हुआ है, हमारी खास करके महिलाएं जो हैं वो सेना में भी हैं, हवाई जहाज भी चला रही हैं, और सबसे बढ़िया बात है कि कवि इन पांच को भी चला रही हैं। सुनिए शेफाली जी, जी बिल्कुल आपकी दाद चाहूंगी थोड़ी सी। आधी आबादी हूँ मैं, हंसती हूँ जब खिलखिलाकर तब क्यों तुमको चुप जाती हूँ, हंसती हूँ जब खिलखिलाकर तब तुमको क्यों चुप जाती हूँ, जब टूट कर बिखर जाती हूँ तब कौन से सुकून में तुम डूब जाते हो, जब नाम से मैं पहचानी जाती हूँ तब क्यों तुम सहम जाते हो, जब नाम से मैं पहचानी जाती हूँ तब तुम क्यों सहम जाते हो, क्यों तुम्हें अच्छा लगता है मेरा तुम्हारे पीछे पीछे चलना, तुम्हें क्यों अच्छा लगता है मेरा तुम्हारे पीछे पीछे चलना, जब तुम्हारे आगे चलती हूँ तब तुम क्यों डर जाते हो, अरे वाह, देश की पहली प्रधानमंत्री हूँ मैं, देश ऊंचाइयों पर ले जाती हूँ, मुख्यमंत्री बनकर राज्य भी चलाती हूँ, मंत्री बन विदेश नीति भी बनाती हूँ, IPS जब बन जाती हूँ अपराधी सलाखों के पीछे ले जाती हूँ, IPS जब बन जाती हूँ अपराधी सलाखों के पीछे ले जाती हूँ, इंसाफ करती हूँ जज बनकर, इंसाफ करती हूँ जज बनकर, वकील बनकर इंसाफ के लिए लड़ जाती हूँ, वकील बनकर इंसाफ के लिए लड़ जाती हूँ, मैं शिक्षक हूँ पत्रकार भी मैं ही हूँ, सत्य सनातन व्यवहार भी मैं ही हूँ, कोकिला बनकर भारत रत्न हासिल किया है मैंने, आवाज से जानी जाती हूँ, नारी हूँ आसमान में जहाज भी उड़ाती हूँ, गांव में चूल्हा बनकर जल जाती हूँ, शहर के ओवन में पिज्जा भी बनाती हूँ और गांव में गोल कंडे भी थोप लाती हूँ, माना कि गांव में थोड़ी पिछड़ गई हूँ मैं,
मगर सरपंच का चुनाव लड़ जाती हूँ। अरे वाह 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 वाह। राजपथ पर सेना की कमान संभाल लेती हूँ, राजपथ पर सेना की कमान संभाल लेती हूँ, तिरंगे को सलामी देना भी जानती हूँ। दिरवाला की सती भी मैं ही हूँ, जहर का प्याला मीरा भी मैं ही हूँ। आए आज आए अगर मान को तो जौहर भी कर जाती हूँ, बीहड़ की फूलन हूँ मैं और मान सिंह की मृगनैनी भी बन जाती हूँ। कभी झलकारी कभी अवंती कमलापति भी तो मैं ही हूँ, कभी झलकारी कभी अवंती कमलापति भी मैं ही हूँ। मर्यादा का घूंघट ओढ़ लेती, मर्यादा का घूंघट ओढ़ लेती, शॉर्ट स्कर्ट में नारी का सम्मान भी बैठी, सर झुका कर सम्मान में देती, ठेस पहुंचे तो झांसी की रानी बन जाती हूँ। सर झुका कर सम्मान में देती, ठेस पहुंचे तो झांसी की रानी बन जाती हूँ। कोमल हूँ छूने से मुरझा जाती हूँ, तोड़ने की कोशिश करे तो माँ काली में बन जाती हूँ। मैं निराला की तोड़ती पत्थर, मैं ही कविता की महादेवी हूँ। मैं निराला की तोड़ती पत्थर, मैं ही कविता की महादेवी हूँ। दहेज की अग्नि में जल जाती हूँ, नैनों में पलती भी तो मैं ही हूँ। दहेज की अग्नि में जल जाती हूँ मैं, नैनों में पलती भी मैं ही हूँ। रोदूं तो मातम छा जाए, रोदूं तो मातम छा जाए, हंसने का त्योहार भी मैं हूँ। रोदूं तो मातम छा जाए, हंसने का त्योहार भी मैं हूँ। कभी डॉक्टर कभी लेखक, कविता का छंद भी मैं ही हूँ। कभी डॉक्टर कभी लेखक, कविता का छंद भी मैं हूँ। प्रेमी की शोना बाबू, प्रेमी की शोना बाबू से पापा की परी भी मैं ही हूँ। प्रेमी की शोना बाबू से पापा की परी भी मैं ही हूँ। किसी की पत्नी किसी की बहू, अपने बच्चों की माँ भी तो मैं ही हूँ। किसी की पत्नी किसी की बहू, अपने बच्चों की माँ भी मैं हूँ। भाई की बहन हूँ, माँ पापा के आंगन की कली हूँ। फूलों का मकरंद भी मैं हूँ, जीवन का अनुबंध भी मैं हूँ। कहने को आधी दुनिया हूँ मैं, कहने को आधी दुनिया हूँ मैं, पर मेरे हक पर इतने सवाल क्यों, पर मेरे हक पर इतने सवाल क्यों। अपने हक की खातिर आधी आबादी से लड़ जाती हूं मैं, आधी आबादी हूं मैं। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी महफिल में, तब तक के लिए धन्यवाद। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।